ये हमारी हाई कोर्ट बेंच की मांग पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब 40 वर्षों से चली आ रही और प्रदेश में और केंद्र में सभी पार्टियों की सरकारें आई और गई। आज तक किसी भी सरकार ने हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया। हमारा केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की मेरठ में सभा है और उनके आह्वान पे हमें उनका जो है विरोध प्रदर्शन करना था। हम कचहरी से करीब 50-60 साथियों के साथ में राष्ट्रवंदना चौक से होकर मेरठ जाना था विरोध करने के लिए और हमें जो है रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब जो है हम कोतवाली बागपत में। आगे क्या कदम होगा? जो भी मेरठ संघर्ष समिति का आह्वान होगा उसी के आधार पर हम कार्य करेंगे और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं तो अपने साथियों को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके मन से, कुछ साथियों को मैं जगाता हूँ, कुछ साथियों को आप जगा दो। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती ये संघर्ष बराबर जारी रहेगा। यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुछ 50-60 लोगों के साथ मेरठ कूच करने के लिए अपनी मांगों का मांग करने के लिए कि हाई कोर्ट की बेंच यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाने के लिए 40 वर्षों से हमारा संघर्ष चल रहा है और हम माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। इनको हमने रोका गया और गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली में लाया गया।